प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शुक्रवार को रेलवे बस स्टेशन परिसर पर चाय स्टॉल और बिस्कुट की निःशुल्क व्यवस्था किया। निःशुल्क चाय स्टॉल का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर महेश कुमार राय, कृष्ण चंद श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के तिवारी, विनोद तिवारी, सुधीर कुमार श्रीवास्तव, हरिओम त्रिपाठी, अजय कुमार सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष श्री विनोद तिवारी जी से अनुरोध, एक माला सहायक एक प्रशासनिक शाखा के अध्यक्ष है, अब मैं श्री विनोद तिवारी जी, श्री अनिल यादव जी, श्री ज्ञानेंद्र शुक्ला, अब मैं बनर सिंह से अनुरोध करूँगा कि आप इस शाखा के मंत्री सब समर्पित कर देकर और हम क्या निकालो आज विधायक खोलो ना इसे निकालो ना राम उदार यात्रियों को भेजिए, यात्रियों को वो बिना चीनी वाला उधर है देखिए। इलाहाबाद में जो कुंभ का आयोजन किया गया है उसमें जो गंगा माँ के उस पवित्र गोद में जो लोग जा कर के वहाँ पर एक सुखद अनुभव की अनुभूति प्राप्त करेंगे और कहा गया है कि जो वहाँ पर स्नान करता है सारे उसके पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य काम में जो तीर्थयात्री जा रहे हैं उनके लिए रोडवेज के संघ के पदाधिकारियों के द्वारा निःशुल्क जो है टी स्टॉल की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यह अनवरत 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। सारे यात्रियों को यहाँ पर निःशुल्क चाय बिस्किट ये व्यवस्था की गई है।